इस पे था, वो महम का एरिया में पड़ता था। एक ट्रक में 844 kgs का डोडा पोस्ट बोलते हैं देसी में, पॉपी हस्क। सो उसका था एक ट्रक में, ब्लैक कैरी बैग में। इसके साथ थोड़ा और सामान लेके आ रहा था, इसके बीच में ये रखे वो ले रहा था। सो हमारा टीम 3-4 दिन से पीछे था, उनका लोकेशन वगैरह अपडेट कर रहा था इन्फॉर्मर के थ्रू। सो महम में वो ट्रक स्टॉप करने के टाइम पे टाइमली पहुंचा, हमारा टीम फिर उनको पकड़ा। पकड़ के फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने चेक करने के टाइम पे ये पता चला, इतना बड़ा मामला था ये। कितने आरोपियों को पकड़ा गया मैम इसके अंदर, और कहाँ से कहाँ पर लेकर जाया जा रहा था? ये राजस्थान से था, ये प्रोक्योर करके इधर हिसार का डिलीवरी था। ये अक्यूस्ट का नाम था नवनीत, सन ऑफ सुभाष, इधर कासा महाजन का, अग्रोहा पुलिस स्टेशन के अंदर आता। सो उधर का था किस चीज के बीच में छुपा के लाया जा रहा था? ये कुछ छन्ने का वो चूरी, हाँ उसका था पूरा ट्रक का। वो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा सैक्स था उसका, इसके बीच में ये रख रहा था। हम क्या है ये, नशीला पदार्थ है क्या? हाँ ये पॉपी हस्क है, ये भी ये प्रोहिबिटेड ड्रग है हमारा NDPS एक्ट में। कैसे हेरोइन है, ओपियम है, ऐसे तरीके पॉपी ड्राइवर है क्या? हाँ ये ट्रक चला रहा था। तो काफी बैग थे ट्रक में, बयालीस हाँ काफी बैग्स था इसके अलावा भी। बयालीस कितने आदमी के साथ नहीं? नहीं एक ही था ट्रक में, एक ही आदमी था। तो लेकिन राजस्थान में कहाँ से लाए मैडम? वो कौन सा गांव सा? पूछताछ का विषय अभी जांच के दौरान, रिमांड के दौरान अभी हम बताएंगे। अभी रिमांड को रिमांड में ले रखा नाम उनको, क्लियर नहीं हुए रिमांड ले लिया। हाँ 8 दिन का। रिमांड ले कितने साल का ही है? ये 19 साल का ही है, ड्रग चलाने वाली वो लड़का 19 साल का ही है। और उन लोगों के नाम भी इन्होंने रिवील किए मैम? वो अभी हम पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ना, फिर सारा लोग ये अलर्ट हो जाएगा। हम उसका इन्वेस्टिगेशन में है, रिमांड खत्म करने के टाइम तक हम यही कोशिश कर लेंगे उनका पूरा लिंक को पकड़ने के लिए। पूछताछ में ये भी है मैम, पहले भी लाया है या पहली बार ही लाया है? नहीं ये फर्स्ट टाइम में नहीं लग रहा है, ये उनका आदत हो चुका है ऑलरेडी। ये वो ट्रैवल्स करके वो बहुत इसके अलावा मतलब सिर्फ नशा का नहीं है, ट्रक चला रहा है ना, सो उसका वो आदत है इसके पहले भी। उसका भी हम जांच कर रहे हैं, इसके पहले किस किस का ये सप्लाई किया उसका भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी। माँ बाप से भी कोई पूछताछ की गई है मैम? नहीं उनका फादर नहीं है एक्चुअली, फादर एक्सपायर हो गए बहुत, सिर्फ ये और इनका मम्मी है। सो उसका कोशिश कर। अगर कीमत की बात की जाए तो क्या वैल्यू है इस डोडा पोस्ट की जितना पकड़ा गया? ऑलमोस्ट 50 लाख का वैल्यू होगा इसका, हमको एक्सैक्ट तो नहीं पता कितना होगा। क्वांटिटी क्या बताइए? 844 किलोग्राम, 8 क्विंटल 44 किलो। हाँ सो ये कमर्शियल क्वांटिटी हो गए, सो मोर देन 50 kgs पॉपी हस्क मतलब है कमर्शियल क्वांटिटी। सो ये बहुत हैवी रिकवरी था। सो प्रूव हो गया तो मिनिमम 10 ईयर्स का पनिशमेंट हो जाएगा उनका। 8 दिन का रिमांड ले लिया मैडम, तो राजस्थान में कहाँ लेके जाएंगे इसको? इसने बताया तो होगा कि मैं वहाँ से चला था या वहाँ से? जिला तो बताया, जिला तो डिस्ट्रिक्ट तो चित्तौड़गढ़ सदर थाना एरिया में। सर किस तरह की NDPS अपने पकड़ा है उसके बारे में बताए? दिनांक 25/12/22 को हमने नशे के विरुद्ध 2 टीमों का गठन किया था, जो हमारे वो सीक्रेट सूचना प्राप्त हुई थी। जो एक टीम हेमराज ASI के साथ गांव खरड़लीपुर पड़ता है थाना सदर हिसार के अंदर, तो वहां उन्होंने सूचना के आधार पर अशोक भट्टो को पकड़ के एक गाड़ी ठोस और 500 ग्राम ओपियम के साथ उसको काबू किया। वहाँ अभियोग पंजीकृत कराकर कल उसको पेश किया गया था, 1 दिन के रिमांड पर हासिल किया गया था। जो पूछताछ जारी है जिससे वो लेके आया था, जहाँ उसने देना था, दोनों पूछताछ जारी है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से लाया था सर ये? भिवानी के एक गांव से लेके आया था। तो ये आदतन है, तस्कर है या फर्स्ट टाइम ऐसा? तस्कर है, पहले भी अभियोग अंकित इसके विरुद्ध। नाम और एज कुछ? अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया है, प्रारंभिक पूछताछ में लगा मेरे एक गांजा का एक गेट मेरे विरुद्ध। कितना इसका वैल्यू होगा सर अभी का? 500 ग्राम ये लगभग है 1.5 लाख रुपये, 100 लाख। इसी प्रकार हमने मैम के अंदर सूचना के आधार पर हमारी दूसरी टीम PSI बर्लिन के साथ काम करी थी, सूचना के आधार पर हमने उस ट्रक के आइसर HR 39B 0776 को काबू करके और नवनीत सुभाष खासा महाजन को पकड़ा। उस आइसर गाड़ी में 260 बैग चने के छिलके भी चोरी किए थे, जो जेल के अंदर एक दुकान पर उतरना है, और ये डिलीवरी आतनपुर के आसपास
वहीं थी, और जो मुख्य तस्कर है वो भी उसी साइड आदमपुर का है, जो एट के कंट्रोल कर रहा था भाई वहाँ से माल लेके आना है यहाँ पे आना। तो ये मीडिएटर था, एक किस्म का जन्म नहीं था, ये मीडिएटर का काम कर रहा था। और इसका मेन अथलीट कोई और हामी नौकरी और है, इसको 1,00,000 रुपया एक चक्कर का देने की बात हुई थी, जो ये लेके कलीना नहीं था साथ में, नहीं वो अकेला थे। कोई ढाबे पे रुका कैसे? हाँ ढाबा है, तिरंगा होटल है, मैम हाईवे के पास, उसके करीब 1,000 मीटर पर बाबा होटल है, छोटा सा रोड पे, उसी होटल पे खाना चाय पीने की उसने खाई। इसी दौरान हमारे को हमारी टीम ने इसको काबू किया। मुकदमा नंबर क्या है? अंकल की है इसको 561 516 मैम का, मैम में दर्ज करके इसको कल रोहतक अदालत में पेश करके रोहतक के अंदर कोर्ट में पेश किया गया। इन्वेंट्री करा के माननीय अदालत से 8 दिन के रिमांड पर इसको हासिल किया गया, जो पूछताछ जारी है, जहाँ से लेके आया था और जहाँ इसने देना था लोन है, उनको दोनों को रिमांड के दौरान ही जाने के चल के जेल पहुँचा देते जी। और उनके बीच में ये उनके नीचे 42 आदमपुर यहाँ से लाई हुई थी, भारी मात्रा की जिनकी वाणिज्य मात्रा इसकी 50 लाख है अंतर्राष्ट्रीय। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।